हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम बायोट सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो उसके दो मेथड्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। एक मेथड क्या होता है, बायोट सावर्ट लॉ, और दूसरा मेथड क्या है, एम्पियर्स लॉ। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बायोट सावर्ट लॉ। इसमें हमने बताया था कि हमने कल बायोट सावर्ट लॉ डिफाइन किया था, और उसके बाद मैंने ये बताया था दो तीन की, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सेकंड जो है कि बायोट सावर्ट लॉ जो है वो केवल डीसी करंट के लिए वैलिड होता है, एसी करंट के लिए वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप जो देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट पी विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम द वायर। तो मैंने एक रिजल्ट डिराइव भी किया था और बताया भी कि देखो ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना, डायरेक्ट करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई है ना, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे कोई पॉइंट क्या है, पी है। आपको क्या करना है, उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, आई क्रॉस आर। आई क्या है, करंट को वेक्टर मान लो, और आई टू आई क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा एक आसान तरीका देखो क्या है कि एक यही क्या है, करंट कैरिंग वायर है, आपको किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो क्या करो, राइट हैंड पाम लो है ना, और क्या करो इस पे, इसको इस तरह ग्रास करो, इस तरह पकड़ो कि थंब का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में हो। तो देखो यही क्या है, राइट हैंड पाम है और करंट का डायरेक्शन क्या है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, मुझे इसको पकड़ना है, तो देखो थंब का डायरेक्शन किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, और ऑल फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन में हम कर्ल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में। देखो ये कैसे होगा, ऐसे होगा, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो कैसे होगा, ऐसे। अब क्या करो, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आप देखो यही क्या है, इसको हमने पकड़ लिया, ग्रास्प कर लिया, थंब का जो डायरेक्शन है किधर है, करंट के डायरेक्शन में, और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जिस तरह आप कर्ल कर रहे हो उसी तरह क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, समझ में आया ना। जैसे दूसरा मेथड जो है वो क्या है कि मैंने बताया था कि आपको क्या करो, आई का डायरेक्शन इधर है, आर का डायरेक्शन इधर है, तो आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आर, या तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो क्या है, इनटू द बोर्ड है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, इनटू द बोर्ड है। तो दो तरह से हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर, अल्फा बीटा क्या है, दोनों एंड पॉइंट और पॉइंट पीज को ज्वाइन करने वाला लाइन नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या है, अल्फा बीटा है, समझ में आया ना। यहाँ अल्फा बीटा को ऑलरेडी हमने साइन के साथ कंसीडर किया। अब क्या हो सकता है, रॉड क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है ना, सेमी इनफाइनाइट हो सकता है। तो हर केस में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो यहाँ टाइप वन में फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन करंट कैरिंग वायर इज क्या होगा, वेरी लार्ज का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसे हम लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग। देखो क्या है, यही कोई करंट कैरिंग वायर है, इधर मैंने प्लस इंफिनिटी लिख दिया और इधर क्या है, माइनस, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे फील्ड निकाल, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने, सबसे पहले आपको डायरेक्शन चेक करना है, तो देखो आर का डायरेक्शन ये करंट का डायरेक्शन, तो आई क्रॉस आर क्या होगा, इनटू द बोर्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखोगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू है, यही होगा। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4
फोर पाई डी इंटू क्या होगा वन प्लस, यही होगा ना यार साइन अल्फा प्लस साइन बीटा टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा टू पाई डी, और यहाँ डायरेक्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा करंट इन द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सेपरेशन बिटवीन द क्या होगा आई मीन सेपरेशन ऑफ द या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट वायर, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट। अब चलो देखो ध्यान से, तो यहां आपको डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां क्या होगा इनटू द क्या होगा बोर्ड होगा, यहां क्या होगा देखो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे देखो डीएल का डायरेक्शन, आई डीएल का डायरेक्शन किधर मानना है करंट के डायरेक्शन, या देखो ऐसे मुझे ऐसे पकड़ना है, देखो ऐसे पकड़ लिया और इसको क्या कर रहे हैं ग्रास कर रहे हैं, तो ये कैसे घूम रहा है दिख रहा हो ना कैसे घूम रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा ऐसे ही होगा, कैसे होगा ऐसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, अभी आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न। तो बीपी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा टू पाई डी, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा करंट कैरिंग वायर, यहां से हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि बी वन अपॉन क्या होगा बी टू, या ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई इफ डी इज क्या होगा कांस्टेंट। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो क्या होगा बीपी यहां क्या है डी, ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा ओरिज, यही होगा ना यार, यहां क्या होगा नहीं सॉरी बीपी वर्सेस आई, ग्राफ इज क्या होगा स्ट्रेट, ठीक है पासिंग थ्रू क्या होगा पासिंग थ्रू ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी क्या होगा यदि डिस्टेंस हम फिक्स कर दें और करंट जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना ही टाइम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेट वायर के द्वारा क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये तो फर्स्ट क्या है सेकंड में आई मीन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया करंट, दूसरा देखोगे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर गिवन करंट क्या होगा फॉर क्या होगा यहां लिख सकते हैं कि फॉर नोट में लिख लेना है ना नोट में फॉर गिवन करंट फॉर क्या होगा फॉर गिवन करंट आई मीन आई क्या होगा बीपी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी, आई मीन जैसे जैसे हम क्या करेंगे सेपरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज करेगा, और यहां जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहां हमने बीपी लिखा ठीक है और यहां क्या है डी फॉर गिवन आई, आई को हमने क्या मान लिया कॉन्स्टेंट, तो यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या होगा बीपी वर्सेस क्या हो जाएगा डी विल बी क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बेसिकली यहां डी जीरो नहीं होगा ठीक है, लेकिन हम तो रेक्टेंगुलर हाइपर आई मीन इस टाइप का क्या होगा ग्राफ होगा ठीक है। उसके बाद हम देखो ध्यान से, अब इसको समझना है आपने को तो ये आपको मालूम चल गया, इसके बाद हम देखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न किसका होगा वो देखते हैं बाद में ठीक है। अब देखो ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न यही देख लो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न
ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू वेरी क्या होगा, लार्ज करंट, वेरी लॉन्ग करंट या वेरी लार्ज, वेरी लॉन्ग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब समझना है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तुमको यही क्या है, करंट कैरिंग वायर। अब आपको देखना है, देखो मुझे इस पॉइंट पे फील्ड, देखो यहाँ यहाँ ध्यान से देखो, तो मुझे कहाँ फील्ड फाइंड आउट करना है, इधर इधर फाइंड आउट करना है, इधर फाइंड आउट करना है। तो देखो तो डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। यदि इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इधर नीचे हो, अंदर होगा। देखो तो यहाँ यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो किधर होगा, इन टू होगा। यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ किधर होगा, इस साइड होगा क्या, ठीक है। फिर यदि आप उसी तरह मान लो कि करंट कैरिंग वायर है, मैं इधर, तो देखो तो डीएल क्रॉस आर इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। यदि मेरे तरफ यहाँ फाइंड आउट करना है तो किधर होगा, इधर होगा। तो आप जब फील्ड पैटर्न देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, सर्कल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, जिसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर पे ही क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है। इधर क्या है, देखो इधर हर जगह क्या होगा, इधर अंदर जाएगा और इधर क्या होगा, बाहर आएगा। इस साइड देखो, यहाँ देखोगे तो आउट ऑफ द बोर्ड, इधर क्या होगा, इन टू द बोर्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। इस केस में देखो इधर, यदि करंट, हम करंट का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दें तो जस्ट चेंज हो जाएगा। यहां देखो, समझ रहे हो ना, यहां देखो, आई मीन ऐसे है, ऐसे मैं दिखाया हूं यहां, ठीक है, ऐसे है करंट, ऐसे दिखाया गया। यहां देखो, यहां क्या है, यदि करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे कर दूं डाउन, तो देखो इस पॉइंट में क्या होगा, इधर इधर देखो, इधर इस पॉइंट पे देखो, यहाँ क्या होगा, यही आ रहा है यार। तो यहाँ जब करंट का डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगा, आई मीन डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, देखो डीएल का डायरेक्शन इधर और आर का डायरेक्शन यही होगा ना, आर का। तो डीएल क्रॉस आर देखोगे तो क्या होगा, इधर क्या होगा, इन टू द, इधर क्या होगा, इन टू द, इधर, चलो इधर देखो, इधर आप जब देखोगे तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा आर, तो डीएल क्रॉस आर, देखो तो इधर क्या हो रहा है, देखो इधर ध्यान से, डीएल क्रॉस इधर क्या आ रहा है, आउट आ रहा है, आई मीन इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और इधर क्या होगा, अंदर होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर अंदर जाएगा, आएगा। यहां भी क्या होगा, आप जब ड्रॉ करोगे तो यहां भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। लेकिन यहां जो फील्ड लाइंस पैटर्न होगा, यहां क्या होगा, इधर ऐसे होगा, ठीक है, क्या होगा, ऐसे होगा। तो एक ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, क्लोज लूप होता है। इस केस में क्या होगा, देखो ये क्लोज लूप है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या होगा, स्ट्रेट वायर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज, या आर क्या होगा, आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल उस हैविंग सेंटर, हैविंग सेंटर ऑन क्या होगा, हैविंग सेंटर ऑन करंट कैरिंग वायर, हैविंग सेंटर ऑन करंट कैरिंग ठीक है, करंट कैरिंग क्या होगा, वायर।
तो हमेशा याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, सर्कल होगा, जिसका सेंटर जो होगा वो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर पे क्या होगा। यहां से देखोगे, देखो ये क्या है, करंट इस क्या है, करंट यदि अप जा रहा है तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल यही है, तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। यदि डाउन जाएगा तो क्या होगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे देखो ध्यान से डायरेक्शन चेक करना है ना, तो सिंपल जो पॉइंट है देखो ये क्या है, फाइंड फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा, एट पॉइंट पी एज सोन इन द फिगर, सोन इन द क्या होगा, इन द देखो क्या है, ये दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यहाँ ग्राफ भी पूछा जाएगा, ये तुम मैं होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ये मान लो कि हमने क्या किया, करंट आई इधर, ठीक है, इधर हमने क्या कंसीडर कर लिया आई, देखो यहाँ क्या है, पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये क्या है माइनस, इनके बीच जो सेपरेशन है वो क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल रखा गया है ऐसे सोचो, और ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इनके बीच क्या है, सेपरेशन जो दिया हुआ है वो चलो हमने 2D मान लिया समझने के लिए, ये फिगर वन है। दूसरा फिगर क्या है, दूसरा जो इसमें फिगर है देखो, अब यहां हमने करंट सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, ठीक है, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है और इसमें भी क्या है आई फ्लो हो रहा है, अगेन इनके बीच क्या है सेपरेशन क्या है 2D, हमने क्या है 2D कंसीडर कर लिया, ये फिगर क्या है, क्वेश्चन समझ में आया, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर ए, वाइल इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना, देन फाइंड, देखो यही पॉइंट पी हमने, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ है पॉइंट पी, यही पूछा गया है ना यार, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ले, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है, आई मीन क्या करो, इस वायर के द्वारा फील्ड निकालो, इसके द्वारा निकालो और क्या करो वेक्टोरियली ऐड कर दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये मान लो कि क्या है, इसको हमने वन वायर मान लिया और ये क्या है टू है, तो बी वन का मतलब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब यहाँ यदि लिखेंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम यदि लिखें दोनों केस में तो हम लिख सकते हैं कि, बाद में मैं ग्राफ भी बता देता हूं या ग्राफ खुद से भी ड्रॉ कर लेना तुम लोग, कि क्या है बीपी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा B1 प्लस क्या हो जाएगा B2, यही होगा ना यार, अरे दो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वायर वन वायर टू, वायर वन एंड वायर टू, दिस इज क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होगा, वायर वन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू वायर क्या होगा, वायर टू, ठीक है। अब हमने देखा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πD, यही होता है ना यार, तो B1 लिखे, देखो तो B1 लिखेंगे यहाँ, B1 जब लिखेंगे तो B1 इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π,
D क्या है? D is the perpendicular distance of the point from the wire. तो यहाँ D equal to क्या होगा? I mean देखो ये total 2D है, तो ये वाला length कितना हो जाएगा? D हो जाएगा. तो हमने यहाँ D लेंगे. अब इसका direction देखो, यहाँ यहाँ देखोगे तो DL cross R, R का direction किधर है? इधर DL का है, तो DL cross R क्या है? Into the board है. Into the board के लिए हम कौन सा sign use करते हैं? Cross sign. क्या use करते हैं? Cross sign. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? Cross sign. B2 जब आप देखोगे फर्स्ट फिगर में हम लिख रहे हैं फ्रॉम फिगर क्या होगा फ्रॉम फिगर ए फर्स्ट फिगर से B2 इक्वल टू क्या होगा अगेन म्यू नॉट I अपॉन क्या होगा 2 पाई D. अब देखो तो इसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है देख रहे हो ना किधर है इनटू द बोर्ड है तो यहां भी हम लिखेंगे क्या अब देखो ये दोनों फील्ड क्या है सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हम लिख देंगे फिगर फर्स्ट में क्या होगा बी एट पी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू और डायरेक्शन क्या लिखेंगे इनटू द ये आंसर आपको क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा ठीक है क्या होगा मालूम चल जाएगा यहां देखो बीपी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई इनटू क्या हो जाएगा डी यही होगा ना यार ऐड करोगे और ये क्या हो गया इनटू द बोर्ड यही मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आपको केवल दूसरे फिगर में देखो क्या होगा यहां से देख सकते हो इसके द्वारा आई मीन फ्रॉम फिगर बी बी वन इक्वल टू क्या होगा देखो तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर R का इधर तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनटू द बोर्ड तो हमने क्या लिखा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी और इनटू द बोर्ड बी टू इक्वल टू क्या होगा यार देखो तो किधर होगा आउट ऑफ द बोर्ड तो हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी यहाँ डॉट अब देखो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है एक अंदर है दूसरा बाहर है डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया जीरो अब आपके लिए क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि आप खुद से क्या करना इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें पूछा जाता है तो आप मान लो कि क्या वाई एक्सिस के अलोंग रखा गया है तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ठीक है तो ये होमवर्क है आप खुद से इसको ट्राई कर लेना है दूसरा इसमें जो टाइप है कि क्या होगा व्हेन रॉड इज क्या होगा आई मीन करंट कैरिंग वायर इज सेमी इनफाइनाइट क्या होगा देखो ध्यान से तो सेकंड जो केस है वो क्या है देखो ये होमवर्क समझ में आया ना तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ आप क्या करो ड्रॉ करना प्लॉट करना है ना और मुझे आप व्हाट्सएप करना क्योंकि वो ग्राफ डायरेक्ट पूछा जाता है मैंने कहाँ बताया था जब आपको इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाया था तो वहां बताया था तो केस व्हेन क्या होगा व्हेन करंट कैरिंग वायर इज सेमी इनफाइनाइट ठीक है सेमी इनफाइनाइट अब देखो क्या होगा सेमी इनफाइनाइट जो होगा देखो ध्यान से यही सेमी इनफाइनाइट होगा तो यहां ये ऐसे भी केस हो सकता है देखो यही सेमी ये क्या हुआ प्लस इनफिनिटी मैंने मान लिया ये करंट कैरिंग वायर है और इस सेपरेशन के डी है यहां पॉइंट पे अब देखो यहां अल्फा इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा क्या तो यहां लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू यहां भी आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो किधर होगा इनटू द बोर्ड होगा क्या तो यहां हम लिख देंगे कि ये डायरेक्शन क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा तो यहां देखो इस केस में बीपी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू साइन 90 प्लस क्या होगा जीरो आई मीन कितना हो जाएगा BP is equal to mu not I upon क्या हो गया 4 pi ठीक है और ये किधर हुआ दूसरा इसमें ऐसे भी हो सकता है देखो ध्यान से
ये कितने डिस्टेंस पे है डी, यहाँ करंट आई आ रहा है ना, और आपसे यहाँ पूछा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, अगेन इस केस में आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बीटा इक्वल टू जीरो होगा क्या, तो इस केस में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहां क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? अरे दोनों में क्या डिफरेंस है, सोच सकते हो तुम लोग दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे यार यहां बीटा जीरो हो गया, यहाँ बीटा जीरो और अल्फा इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय टू, तो यहाँ भी बी, यहाँ डायरेक्शन केवल क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, बी एट पी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा फोर पाई डी, और यहाँ क्या होगा डॉट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखना कि यदि डिस्टेंस फिक्स कर दें और क्या होगा करंट सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इफ क्या होगा, नोट में लिख देता हूं कि अब देखो ध्यान से, इफ इफ क्या होगा डी एंड क्या होगा एंड आई आर क्या होगा सेम फॉर सेमी इनफाइनाइट नाइट एंड इनफाइनाइट लॉन्ग क्या होगा वायर, देन क्या लिख सकते हैं बी क्या होगा बी सेमी इज इक्वल टू क्या होगा बी इनफाइनाइट बाई क्या हो जाएगा टू। अरे समझ में आया तुम लोगों को? देखो यहां से इनफाइनाइट का क्या था म्यूनट आई अपॉन क्या था टू पाई डी था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें देखो न्यूमेरिकल्स बहुत है, सभी टाइप मैं बता देता हूं, आप खुद से यदि प्रैक्टिस करोगे और यदि मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो बाद में कुछ नहीं आने वाला है ना, क्या है बाद में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके बाद जो क्या है, हाँ मैं क्या बता रहा था कि अभी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसे, अब क्या पूछा जाएगा ये मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखो क्या है? कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक किस तरह बेंड है, एल शेप में बेंड है, ये क्या होगा प्लस इनफिनिटी, भी क्या होगा प्लस। चलो करंट हम ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है आई करंट फ्लो हो रहा है। आपसे इससे पूछा जाएगा कि ये परपेंडिकुलर इसका एंगल बाई सेक्टर है ना, क्या होगा एंगल बाई सेक्टर, तो ये कितना एंगल बाई सेक्टर पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है ये भी डी डिस्टेंस पे है और ये भी क्या है डी डिस्टेंस, ऐसे दिया हुआ। और आपसे पूछा जाएगा फाइंड, क्या पूछा जाएगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या होगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एट पॉइंट P as shown in the क्या होगा in the field। देखो दो ही चीजें हैं, अब देखो ये क्या है सेमी इनफाइनाइट है, समझ में आना, आई मीन क्या है सेमी इनफाइनाइट नहीं है, बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे होता है यहां से हाफ और यहां से इधर ही कहीं निकालना होता है, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, पहले तो अब अल्फा बीटा ढूंढ लो, तो इसके द्वारा दो वायर होगा, ये मान लो कि वन हो गया
और ये क्या हो गया टू वायर। ऐसे सोचो कि ये जो वायर है वो दो वायर से मिल करके बना है, तो यहाँ क्या होगा, एक तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा, देखो पहले दोनों के द्वारा, इस वायर के द्वारा क्या होगा इनटू द बोर्ड, और इसके द्वारा भी क्या हो रहा है इनटू द बोर्ड, आई मीन नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अब देखो ये वाला ए 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है, तो ई भी क्या होगा, अब बाईसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि एक वायर के द्वारा क्या करो मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहां और क्या करो टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम बोल सकते हैं कि बी वन इक्वल टू क्या होगा बी टू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। देखो यहां क्या होगा, इसके लिए सोचोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री और बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू हो गया क्या, अरे पाई बाई टू हो जाएगा ना, देखो यार और डी दिया हुआ है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि म्यूनट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ अल्फा, आई मीन साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस साइन ऑफ क्या होगा 90 डिग्री, तो लिखोगे तो कितना होगा म्यूनट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 1 प्लस 1 बाई क्या होगा। अब देखो इसके द्वारा भी इतना ही होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं B at P is equal to क्या होगा 2 into B1 equal to क्या होगा 2 into B2। ये कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I upon 2 pi D into 1 plus 1 by क्या होगा root 2, ठीक है क्या हो गया 1 plus 1 by क्या होगा, तो एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या है कि सेमी इनफाइनाइट दिया हुआ है, सेमी इनफाइनाइट जो का जो प्रॉब्लम होगा वो हम क्या कर सकते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल क्या है फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद जो अगला जो टाइप है कुछ नहीं, एक ही तो फॉर्मूला याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बी, उसी में क्या करें एंगल रखते जाना है, ठीक है। तीसरा जो इसमें जो ये रिजल्ट दिया हुआ है, देखो तीसरा टाइप क्या होगा, सॉरी केस सेकंड, केस क्या है केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है कि व्हेन द रॉड आई मीन व्हेन करंट कैरिंग वायर इज फाइनाइट एंड पॉइंट पी इज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या होगा व्हेन व्हेन करंट कैरिंग वायर इज क्या होगा फाइनाइट एंड पॉइंट पी इज ऑन इट्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई क्या होगा सेक्टर, ठीक है। जैसे देखो क्या है, ये फाइनाइट हो गया, यही क्या है वायर है, हमने मान लिया कि ये क्या है फाइनाइट, इसमें करंट क्या है और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है आई हो रहा है, आई हो रहा है ना, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है डी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो क्या है ए वाला और ए वाला क्या है लेंथ, इसको मान लिया हमने क्या है कि एल लेंथ क्या है, इसकी जरूरत है यार सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। अब मुझे क्या है यहाँ से देखो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे होगा पॉइंट पी, तो आपको भी मालूम है कि यहाँ क्या होगा ये अल्फा और ये क्या होगा बीटा होगा, ये बीटा और ये अल्फा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, अगेन यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इनटू द क्या होगा बोर्ड, तो यहाँ क्या लिखोगे बीपी इज इक्वल टू क्या लिखोगे म्यूनट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 साइन क्या हो जाएगा थीटा और इंटू ए बी पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यूनट, ठीक है आई अपॉन 2 पाई डी 2 पाई डी इंटू क्या होगा साइन थीटा कॉस। अब साइन थीटा का वैल्यू रख दो यार, यहाँ से साइन थीटा कितना, देखो ये एल है ये डी है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, तो साइन थीटा यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो
बी एट पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी इंटू साइन थीटा, कितना लिखोगे यार, एल बाई टू, क्या लिखोगे, एल बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे, एल स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर क्रॉस। तो बी एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, ठीक है, इंटू एल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस फोर, ये क्या हुआ, क्रॉस। तो दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये अब ये बोलोगे सर ये रटना है क्या, नहीं रटना नहीं है यार, मेथड वही है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या करेंगे, करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ये बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, सिंपल क्या करना है, सिंपल एग्जाम्पल आपको देखना है। तो यहाँ जैसे आपसे कोई पूछेगा कि क्या, जैसे देखो अब आपसे मैं सिंपल ये पूछूंगा कि फाइंड ठीक है क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है जो क्या है स्क्वायर के रूप में क्या है, बेंड हुआ है। देखो बहुत अच्छा यहाँ एग्जांपल भी बनेगा है ना, और यही क्या है सेंटर वो है, इसमें करंट क्या आई फ्लो है, इसका जो साइड लेंथ है वो क्या है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ सभी क्या है लेंथ है। तो आपको यहाँ क्या पूछा जाएगा कि वो पॉइंट पे क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, क्या करो वो पॉइंट पे। तो ध्यान से ये फिगर ये हुआ, दूसरा क्या है देखो यहाँ, यही क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट कैरिंग वायर जो है क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है बेंड हो गया, यहां से करंट आई ए बी सी और क्या है, आपको दोनों केस में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या है आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ हर स्टेट वायर को अलग अलग कंसीडर कर लो, सभी स्टेट वायर के द्वारा क्या करो फील्ड निकालो, और क्या करो सबको क्या करो ऐड कर दो, यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है फाइंड लिख लेना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एट ओ एज शोन इन फिगर ए एंड, ठीक है। अब देखो क्या आया, अब हम क्या करेंगे, आप बाईसिमेट्री से देखो, चलो वायर ए बी के द्वारा देखो तो ए बी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, बी सी के द्वारा देखोगे तो अंदर, सी डी के द्वारा भी अंदर, और डी ए के द्वारा भी क्या होगा अंदर। आई मीन ऐसे सोच दो कि, सोचो कि क्या होगा, ये कितने फोर फाइनाइट वायर हैं जिनको ज्वाइंट करके एक स्क्वायर बनाया गया है, और उनमें करंट क्या है आई ही फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है आई फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि सभी वायर के द्वारा, ये देखो एक ए फाइनाइट वायर हो जाएगा डी ए, एक ए बी फाइनाइट वायर होगा, एक बी सी अनसीन, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि देखो समझ में आया ना कि ये वायर इज इन बेंड इन द, यहाँ क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करके साइड लेंथ। हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो दो चीजें चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो यार, और दूसरा क्या है अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो और वैल्यू रख दो, दूसरा कुछ नहीं करना है यार, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डी निकालो और क्या है अल्फा बीटा ढूंढ लो और वैल्यू रख दो, और सबका अलग अलग कैलकुलेट करके क्या करना है ऐड कर देना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि देखो यहाँ कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, फोर होंगे, तो हम लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो बी एट क्या होगा, बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा
BAB का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB प्लस हम, मैं क्या लिख रहा हूं, BBC प्लस BCD प्लस BDA, और हम बोल सकते हैं, समझ में आया ना, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू BC, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू CD वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू DA वायर, ठीक है, ये इक्वेशन। और ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, अंदर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री क्या होगा, BAB इज इक्वल टू क्या होगा BBC इज इक्वल टू BCD इक्वल टू क्या होगा BDA इक्वल टू, मैं इसको बी नट मान लेता हूं यार, देखो तो हम लिख सकते हैं बी नट नहीं बी मान लो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं BO आई मीन मैग्नेटिक फील्ड एट O इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू क्या हो जाएगा B, किसी एक वायर के द्वारा क्या करो आप कैलकुलेट। अब देखो हम यहां से आप देखोगे कैसे यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यार, तो यहां AD आपको मालूम चल जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा वो कितना, ये एंगल अल्फा और बीटा यहाँ क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो देखो यहाँ हम बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वायर हम डी ए कंसीडर कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ वायर डी ए, कौन सा वायर है डी ए, आई मीन सॉरी ए और एक है डी, इसके द्वारा यही क्या है पॉइंट ओ है, देखो यहाँ डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू ए अल्फा बीटा, डी इक्वल टू क्या होगा ए बाई टू हो जाएगा यार, अरे ए बाई टू होगा ना, और यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी इक्वल टू क्या है ए बाई टू इंटू 2 साइन 45 डिग्री, अरे लिखोगे ना यार, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन क्या लिखोगे पाई ए, और इसका वैल्यू क्या होगा √2। अब एक वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गया म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, यहाँ वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा आसानी से आंसर आ जाएगा, क्या होगा आसानी से आंसर आ जाएगा, तो देखो बी एट ओ इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई क्या हो गया ए हो गया, तो बी नट इज इक्वल टू क्या होगा 2 √2 म्यू नट आई अपॉन पाई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इनटू द क्या हो जाएगा बोल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी देखो मैं खुद से यहां भी बाई सिमेट्री बता सकते हो फिगर बी, यहाँ क्या होगा बी एट ओ इज अगेन क्या लिखोगे बी ए बी प्लस क्या होगा बी, आई मीन वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या हम स्केलर में बी ओ इक्वल टू क्या होगा बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी, और ये डायरेक्शन किधर होगा इनटू होगा, ये सब का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बी नट इज इक्वल टू क्या होगा 3B हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3B। अब एक वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो देखो तो यहाँ इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आप देखोगे यहाँ देखो ध्यान से यही क्या है ए बी, देखो अल्फा और बीटा इक्वल टू, इस केस में यदि हम देखें ये वाला एंगल बीटा मान लें और ये क्या होगा अल्फा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं, और D तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, D इक्वल टू कितना होगा बता सकते हो यहाँ, D इक्वल टू कितना होगा, अरे D इक्वल टू कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो, अरे यार A एंगल क्या होगा A 60 डिग्री होगा, A 30 डिग्री होगा, ये तुमको मालूम है A कितना हो जाएगा A वाला लेंथ और A क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी जब कैलकुलेट करोगे तो टेन थीटा यूज कर दो यार, टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन ए बाई टू, क्या होगा डी अपॉन ए बाई टू, ठीक है, तो ये समझ में आया ना, अरे इस एंगल के लिए यदि तुम क्या यूज कर रहे हो 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहाँ टेन
60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए आई मीन ए बाई टू, ए बाई टू, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन टू रूट क्या हो जाएगा, थ्री। ये मालूम चल गया यार, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ए अपॉन टू रूट थ्री साइन ऑफ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दे टू साइन 60, टू साइन क्या होगा साइन 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू क्या होगा रूट थ्री इंटू क्या होगा 4 इंटू रूट थ्री बाई क्या हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा आई थिंक। तो ये कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ठीक है रूट थ्री बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा, ये यही आई थिंक आंसर होगा, देख लेना तुम लोग। तो एक आंसर मिल गया, अब हम क्या करेंगे, समझ में आया ना, अरे अल्फा और बीटा क्या होगा 60 डिग्री होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी क्या होगा, देखो यहां से ऐसे सोचेंगे, ऐसे ऐसे सोचोगे, आपको डी भी बता दूं कैलकुलेट करके, यार यही डी होगा, ए ए बाई टू हो गया ना, ए एंगल क्या होगा 60 डिग्री हुआ, तो टेन 60 डिग्री यूज कर दो ना यार, ए बाई टू इंटू क्या हो जाएगा डी, और टेन 60 डिग्री कितना होता है रूट थ्री होता है, रूट थ्री होगा ना, तो रूट थ्री, तो डी इक्वल टू क्या होगा ए बाई रूट थ्री, यहाँ वैल्यू रख दो। अब बी का वैल्यू मालूम, ए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन वायर एज ए बी हमने मान लिया, ए बी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट तो बी नेट इक्वल टू क्या होगा थ्री थ्री म्यू नेट आई अपॉन क्या होगा टू पाई, और डायरेक्शन क्या होगा, ये होमवर्क देता हूं इसके बाद, दूसरा जो है होमवर्क लिख लेना तुम लोग, है ना, ये रेक्टेंगल है, ए आई करंट फ्लो हो रहा है यही वो है ठीक है, एल और ए क्या है बी, फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एस सोन इन द क्या होगा इन द, ठीक है बहुत सारे केसेस अभी हैं अभी तो ठीक है, तो ये आप क्या करना, वो पे मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेना, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है आई हो रहा है, इसके बाद अब देखो क्या है, इसमें हमने ये कौन सा केस देखा था, थर्ड केस है ना, अब फोर्थ देखेंगे, देखो इसमें क्या है क्वेश्चन नहीं, अगेन क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सेमी इनफाइनाइट है, और यहां एक कोई पॉइंट क्या दिया हुआ पी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, अब ये मान लो कि क्या है, ये तुमको आर दिया हुआ है और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है देखो ध्यान से, ये वाला एंगल क्या है थीटा दिया हुआ है ठीक है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, अगेन आपसे यहां यदि फील्ड पूछा जाए तो फील्ड क्या होगा इनटू द, ठीक है। अब यहां देखो बीटा इक्वल टू कितना है यार, पहले तो डी निकालो, डी हमेशा क्या निकालना है, डी क्या होगा डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, तो यार ए आर है ए वाला ए डी होगा ना यार ए डी होगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई थिंक क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा क्या, आर कॉस थीटा, यहां देखो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस थीटा हो जाएगा, ये ध्यान देना है कितना हो जाएगा माइनस थीटा, एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाय टू, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे बी एट ओ आई मीन बी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई बी इंटू
साइन, ठीक है, 90 प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बी। ये आपको समझ में आया? देखो वहां जो अल्फा था वो परपेंडिकुलर से नीचे था, तो ऑलरेडी जब मैंने रिजल्ट प्रूव किया था तो उसमें माइनस साइन यूज किया था। यदि दोनों एंगल परपेंडिकुलर से सेमी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, प्लस लेंगे ना इंटीग्रेट करने पर, इसलिए हमने क्या किया यहां माइनस लिया। ये कितना हो जाएगा म्यूनेट आई अपॉन 4 पाई क्या होगा डी, आई मीन इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। और यहां लिखोगे कि बीपी इज इक्वल टू म्यूनेट आई अपॉन क्या होगा डी, आई मीन 4 पाई आर इनटू क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा। और एक रिजल्ट क्या है ये भी है, ठीक है। उसके बाद अगला केस बता देता हूं कि केस 5 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें क्वेश्चन मैं नहीं डिक्टेट करूंगा क्योंकि टाइम लगेगा। देखो यहां से करंट आ रहा है और यहां क्या है, ये एंगल हमने मान लिया क्या है अल्फा, और इनकी एंगल बाई सेक्टर पे कोई पॉइंट क्या है, ठीक है। यहां मुझे क्या करना है, ये क्या है एंगल बाई सेक्टर है, ये मैं बताता हूं एंगल बाई सेक्टर। पी पॉइंट पे फील्ड निकालना। अब कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दिया रहेगा, ये वो है, ये डिस्टेंस होगा आर दिया रहेगा। तो सबसे पहले अगेन देखो यहाँ एक एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ना ध्यान से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, समझ में आया ना, इनफाइनाइटली इनको इस एंगल में, आई मीन कोन के शेप में क्या किया गया है, बेंड किया, वी शेप में बेंड किया गया है, और एंगल बाई सेक्टर पे क्या है, कोई पॉइंट पी है वहां फील्ड निकालना है। तो ये अल्फा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे। पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए डी, डी दिया नहीं है, डी ध्यान से दिया नहीं। अब देखो ये क्या है, आर है, ठीक है, अभी क्या है 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस क्या होगा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहां देखोगे बाई सिमेट्री, यहां बोल सकते हैं कि बी एट पी इक्वल टू क्या होगा, यदि लिखोगे तो बी 1 प्लस क्या हो जाएगा बी 2, और दोनों के दोनों का डायरेक्शन जो है, देखो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आउट, इसके द्वारा भी आउट, तो हम बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या होगा बी 1 प्लस बी 2 और यहाँ डॉट। अब बाई सिमेट्री बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री क्योंकि देखो अल्फा बीटा के वैल्यू सेम है, डी भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, B1 इक्वल टू क्या होगा B2, यहाँ लिख सकते हैं B एट P इज इक्वल टू क्या होगा T2B, ठीक है, यही अपने को रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, B1 का वैल्यू फाइंड करो, D मालूम चल गया। देखो एक एंगल यहाँ लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक एंगल देखो तो यहां लिखेंगे d इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, अरे d इक्वल टू क्या होगा ये मालूम है, ये इस एंगल के लिए क्या होगा अपोजिट होगा ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो अगेन क्या लिखेंगे cos of 90, क्या लिखेंगे cos of 90 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा d अपॉन r, तो d इक्वल टू क्या होगा r साइन ऑफ क्या होगा अल्फा बाई 2, डी मालूम चल गया आपने। अब यार एक एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और दूसरा एंगल मालूम है, तो हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ क्या होगा पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो बी एट ओ बी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई क्या होगा। अब डी का वैल्यू रख दो यार यहां, तो बी
बी एट ओ, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई क्या होगा आर, है ना, ठीक है, क्या होगा फोर पाई आर इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा बाई टू प्लस क्या होगा कॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या, थोड़ा सा मैं ट्रिगो यूज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई क्या लिख सकते हैं फोर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं टू, देखो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं टू साइन ऑफ अल्फा बाई फोर कॉस ऑफ क्या होगा अल्फा बाई फोर, थोड़ा मैथ्स मैंने यूज कर दिया, तो आप जब सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना होगा बी एट, बी एट ओ इक्वल टू क्या होगा म्यू नेट आई अपॉन फोर पाई आर, देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा म्यू कॉट ऑफ क्या होगा अल्फा बाई क्या हो जाएगा फोर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, आई थिंक पी था, इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नेट आई अपॉन टू पाई आर कॉट ऑफ क्या होगा अल्फा बाई फोर, और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो ऐसे हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर आप इसको देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप ट्राई भी करना, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, एचसी वर्मा साहब का क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्या है, कि देखो क्या है, ए क्या होगा ए करंट, करंट कैरिंग, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन क्या लिखो, एक वायर है करंट कैरिंग वायर, देखो आप समझ जाना इसको क्या है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बता दो, एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ क्या है टू पाई आर है, क्या है टू पाई आर, लेंथ क्या दिया हुआ है टू पाई आर, उसको बेंड करके क्या फॉर्म किया जा रहा है, क्या फॉर्म किया जा रहा है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन क्या किया जा रहा है फॉर्म किया जा रहा है, आई मीन ए करंट कैरिंग वायर हैविंग लेंथ एल इक्वल टू टू पाई आर एंड करंट कैरिंग आई, सॉरी फिर से देख लो, ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ टू पाई आर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एन, then find the net magnetic field at the center of the regular polygon, क्या होगा regular polygon, इससे पहले देखो, तो पहले एक example देता हूँ, देखो ध्यान से, एक homework देता हूँ, तुम लोग try कर, homework देता हूँ सबसे अच्छा, देखो क्या है homework, मैंने अब यहाँ क्या है, मैं hexagon का देता हूँ regular, एक वायर है जिसको बेंड करके एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया, ठीक है, इसका साइड लेंथ क्या है देखो ध्यान से, ए बी, तो ये जब आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक पॉलीगन का खुद से सॉल्व कर लो, यही वो है, आपको क्या करना है, साइड लेंथ मैंने दे दिया, करंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड ऐड क्या है वो बताना है, क्या बताना है वो, ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, कि ये वायर है तो ये क्वेश्चन ही हो गया, दूसरा क्या है, अब पॉलीगन तो यहां दिखा नहीं सकता हूं यार, है ना, हिंट्स देता हूं, एक वायर है जिसका यहाँ लेंथ क्या दिया हुआ है L इक्वल टू टू पाई आर, ठीक है, इसको बेंड करके क्या किया गया है पॉलीगन ऑफ साइड लेंथ क्या है पॉलीगन बनाया जा रहा है, अब क्या है पॉलीगन और नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं N दिया हुआ है, समझ में आया ना, A करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ इक्वल टू टू पाई आर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड
n, n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ, क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, वो होगा, तो ये समझ में आया ना आपको? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब मैं हिंट्स भी दे दूंगा आपको कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, आप जानते हैं 2 पाई n हो जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय n, तो ये फिगर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। फिर से सुन लो, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसको बेंड करके एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n बनाया गया है। तो पॉलीगन के सेंटर पे, सेंटर O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां केवल लिख देता हूं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा, एट ओ एस शोन इन द फिगर। ठीक है, ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। और यहां इसमें एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, आप खुद से ट्राई कर लोगे, तो इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कब, कि जब क्या होगा इसमें n टेंस टू, और चेक करना इसमें, यहां मैं लिख देता हूं कि इफ इन फिगर, या ऐसे लिख देता हूं इन फिगर बी, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, क्या होगा, n टेंस टू इंफिनिटी, देन फाइंड क्या होगा, फाइंड बी एट क्या होगा, एक यहां अप्रोक्सीमेशन यूज करना, देखो क्या यूज करना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, इफ क्या होगा, थीटा इज क्या होगा, थीटा इज वेरियस मोड, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज क्या होगा। तो आपको लिमिट करने, यूज करने की एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना, तो आ जाएगा। देखो क्या है, यहाँ अल्फा बीटा जो आएगा, देखो तो 2 पाई n, n बहुत ज्यादा है यार, n इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से ये यूज करोगे तो तुमको एक रिजल्ट मिलेगा, यहाँ जो बी आएगा, बी का आंसर भी देता हूँ, म्यूनट आई अपॉन क्या होगा, 2R आंसर आ जाएगा इस केस में। ये चेक कर लेना तुम लोग, है ना। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, एक और है, ये होमवर्क है आज, देखो अभी स्टेट बार में हम उलझे रहे, तो आई थिंक फिफ्थ होगा, क्या देख लेना फिफ्थ ईयर, ये भी बहुत, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर एट एनी पॉइंट ऑफ विच लाइज अलोंग इट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट एनी पॉइंट अलोंग द वायर। देखो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यही क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है ना, ये आपको यही क्या है, इसके अलोंग कोई पॉइंट है, इसके अलोंग देखो क्या है, मुझे पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे निकालना है। तो देखो यहाँ क्या होगा, आइदर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यही होगा ना यार। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, आप समझ, देखो यहाँ से मुझे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो यार आर इधर होगा और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस आर जब लिखोगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बाई सेमेट हम बोल सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 0,
और बी आर इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट विच लाई अलोंग इट्स या लाई ऑन इट विल बी ऑलवेज क्या होगा जीरो। नोट में लिख सकते हो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एनी पॉइंट विच लाइज अलोंग क्या होगा अलोंग करेंट कैरिंग क्या होगा कैरिंग वायर विल बी ऑलवेज। ये ध्यान देना। अब जैसे एक एग्जांपल देखो ध्यान से, तुमसे मैं बोलूं कि अभी क्या मैंने बताया था कि देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से ये पॉइंट वो है, इसका साइड लेंथ क्या दिया गया, एक लैटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट क्या आई फ्लो। मैं बोलूं कि फाइंड, देखो यहाँ से यहाँ मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी क्या होगा सी। इस केस में आपको देखना है कि इस केस में देखो यहाँ भी और भी दो तीन एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ, चाहे एक ही एग्जांपल लिख लो पहले। इस केस में एक लैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी मान लो करंट ऐसे फ्लो, ए साइड लेंथ क्या है सेम, ठीक है। आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा पॉइंट, ठीक है। तो जब बी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखो तो बी पॉइंट्स किस किस वायर पे लाई कर रहा है, इस पे और इस पे, तो इन दोनों के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा जीरो। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, सिंस पॉइंट क्या होगा पॉइंट बी क्या होगा लाइस ऑन वायर क्या होगा वायर ए बी एंड क्या होगा ए सी, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा एट बी ड्यू टू वायर क्या होगा वायर ए बी एंड क्या होगा ए बी एंड बी सी विल बी क्या होगा विल बी जीरो, क्या होगा विल बी जीरो, विल बी जीरो, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हटा देंगे और केवल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालेंगे, इसको सर्किट से क्या आई मीन इसको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब यही क्या हुआ, ए बी पॉइंट हो गया, ये आपको मालूम है इसका लेंथ क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा और ए वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये आप आसानी से ए बाई टू, तो ए कितना होगा आप बी निकाल सकते हो और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ इसको डी कैलकुलेट कर लेना। तो देखो बी एट बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ क्या होगा, साइन 30 प्लस क्या हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, और डायरेक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे इनटू द बोर्ड। तो यहां लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। डी कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो, tan 30, देखो यहां से tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा a by 2 d, तो d इक्वल टू क्या होगा a अपॉन
टू रूट थ्री। ते वैल्यू रख दोगे तो बी एट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन टू रूट थ्री, है ना। तो ए का वैल्यू डी इक्वल टू, तो यहाँ रखोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा टू पाई ए। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, दूसरा एक एग्जांपल लिख लेना, इसको होमवर्क लिख लेना क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना बताने के लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ ध्यान से, इसलिए बता रहा हूं कि ये करंट कैरिंग वायर है जो स्क्वायर ए बी सी डी, ए साइड लेंथ क्या है। अब क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या होगा पॉइंट सी एज शोन इन द क्या होगा इन द फिगर, ठीक है। अब देखो सी से कौन कौन सा वायर पास हो रहा है यार, ये वाला ही वाला, तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि इन दोनों वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो। अब ये सर्किट कैसे हो जाएगा, अब तो तुम आसानी से इनके इनके द्वारा इसके द्वारा कैलकुलेट कर लो, इसके द्वारा कैलकुलेट कर लो और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर लिख लो, ठीक है। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है स्ट्रेट वायर, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने देखा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर करंट कैरिंग वायर विच इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है। ओके थैंक यू।